अस्सलाम वालेकुम मौजूदा साथियों, आज हमने मूवर्स में बच्चों को जो सिखाया, जिसकी मश्क करवाई, वो है वाहिद से जमा। वाहिद एक को कहते हैं, जमा ज्यादा को कहते हैं। एक से ज्यादा जितने भी होंगे, दो तीन चार पांच, एक से ज्यादा जितने भी होंगे वो जमा है। मिसाल के तौर पर चूजा अगर एक है और एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार पांच, तो वो जमा हो जाएगा। इसी तरह से एक चीज वाहिद कहलाएगी। बच्चे को हमने बार बार यही याद करवाना है कि आप एक जो यहाँ खड़े हैं, ये मिसाल के तौर पर हम किसी भी बच्चे को यहाँ बुला लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये एक है, तो इसका मतलब है कि ये भी वाहिद है। दो तीन और बच्चे आ जाते हैं क्लास में, या ये बाकी बच्चों के साथ जाके बैठ जाता है कोई बच्चा, तो उसको हम जमा कहेंगे। वाहिद और जमा का तसव्वुर बच्चों को जहन में डालना, वाहिद से जमा बनाना और जमा से ख़त्म करके वाहिद की तरफ लाना, ये तसव्वुर बच्चों को हमने देना है कि वाहिद एक चीज को कहते हैं और एक से ज्यादा जो भी हो जाए, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो वो जमा कहलाएंगे। इसका तसव्वुर हम मुख्तलिफ हवालों से दे सकते हैं। आप खुद भी कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक सिंगल चीज को सामने रख सकते हैं, फिर उसको ज्यादा कर दें तो वो जमा है। बच्चों को कहें कि यहाँ पर आप एक चीज रखें और इसके साथ आप बाकी बच्चे भी चीजें रख दें, तो वो जमा हो जाएंगी। बच्चों की ही चीज़ों में से जब हम उनसे ये मशक करवाएंगे तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा, वो और ज़्यादा इसको खुशी से सीखेंगे और उनका तसव्वुर वाज़ेह होगा। हमारी वेबसाइट पे आपको लिंक नज़र आ रहा है, इस पर तमाम रिसोर्सेज दस्तियाब हैं जो आपके लिए बहुत मावन और मददगार साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए